इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा 6 पिन का जो स्विच होता है और एक ब्लूटूथ कार्ड होता है और एक हमारे एम्पलीफायर में ये 6RC पीछे लगी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों। एक भाई का हमारा कमेंट था कि 6 पिन के स्विच को उनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जब चाहें वो अपना एम्पलीफायर का कार्ड चला सकें और जब चाहें अपनी 6RC ऑक्स के द्वारा कोई भी मोबाइल या और भी किसी भी चीज़ की इनपुट दे सकें, और जब मन करे उनका ये BT कार्ड चलाएं स्विच दबा के, और जब मन करे इसको बंद करके ये 6RC चलाएं। तो मैं इसके कनेक्शन आपको बताऊँगा। तो कनेक्शन देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कार्ड के अंदर जो ये इनपुट होती है, ये देखिए 3 पिनें जो इनपुट की हैं ये हमारी ऑक्स की होती है। तो बहुत से भाई चाहते हैं कि ये कार्ड बंद करके हम अलग से अपना मोबाइल की इनपुट दें और उसे चलाएं, तो इसी के बारे में आज मैं कनेक्शन बताऊंगा। तो ये जो इनपुट है हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके तो कोई कनेक्शन करने नहीं है। हमें जो आउटपुट से ये 3 पिनें जो हैं, देखिए बीच वाला ग्राउंड है, ऑडियो ग्राउंड, फिर राइट आउट और लेफ़्ट आउट। तो ये ऑडियो हमारी वो वाली होती है जो हम किसी भी बोर्ड के अंदर देते हैं, मतलब कि इसके अंदर जो भी ऑडियो इस समय चल रही है वो ऑडियो हमारी आउट होके हमारे बोर्ड में चली जाएगी। तो देखिए, पहले तो हमारी ये 3 ऑडियो हमें ये वाली लेनी है, तो ये हमारी 3 ऑडियो हो गई आउट वाली, ये हमारी कार्ड की ऑडियो हो गई, ये हमारी कार्ड की 3 ऑडियो हो गई। तो 3 ऑडियो देखिए इसमें से कौन सी है, ये वाली हमारी ग्राउंड है बीच की, और एक हमारी लेफ़्ट, एक हमारी राइट। ठीक है दोस्तों, पहले अब इसको तो मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर। अब आ जाते हैं इस RC पे। तो इस RC के अंदर क्या है, देखिए जो पीछे की साइड है ये वाली जो 3 पिनें हैं ये ग्राउंड है, और फिर हमारी ये एक पिन हमने शॉर्ट कर रखी है, फिर एक छोड़ के, फिर एक शॉर्ट कर रखी है, फिर एक छोड़ के, फिर एक शॉर्ट कर रखी है। तो 3 इधर से शॉर्ट कर रखी हैं और 3 इधर से शॉर्ट कर रखी हैं। तो ये हो गई हमारी, ये वाली भी ऑडियो हो गई, ये बीच की भी ऑडियो हो गई, और ये लास्ट की जो है ये हमारी तीनों, ये हमारी ग्राउंड है। ये जो बीच, ये जो लास्ट वाली, ये जो 3 पिनें हैं ये हमारी इससे शॉर्ट होती हैं। तो देखिए अब इसके अंदर क्या हो गया, ये इस तरीके से RC रख लेता हूँ मैं। तो इसके अंदर देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसके अंदर ये इस तरीके से है। तो इसके अंदर हमारा ये वाला ग्राउंड है, ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है, इसके अंदर ये बीच वाली ग्राउंड है। तो RC के अंदर आपने देख लिया ये बीच वाली ग्राउंड है, RC का आपका क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं हम इस 6 पिन के स्विच पे। इसके अंदर देखिए 3 इधर पिन होती है, 3 इधर पिन होती हैं। तो अब ये 6 पिनें मैं यहाँ बना देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन होंगे। ये हो गई हमारी RC, ये हमारी RC हो गई, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये लेफ़्ट ऑडियो, ये राइट ऑडियो, ये वाला हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारी लेफ़्ट ऑडियो, ये राइट ऑडियो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं 6 पिन के स्विच पे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये स्विच हमारा इस तरीके से रखा हुआ है और ये 6 पिनें हो गई हमारी। तो देखिए अब ये भी क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो देखिए, इनपुट हमारी ये वाली भी होती है, अगर हमें कोई भी सॉन्ग चलाना होता है तो हम RC से भी इनपुट दे सकते हैं, और इस कार्ड के अंदर हम USB या पेन ड्राइव या ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसको भी चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें RC से भी चलाना पड़ सकता है, हमारा कार्ड ख़राब हो जाए या हमें कोई अलग से मोबाइल और लगा के बजाना है तो हमें अलग से ऑक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए अब ये हमारा, मानिए ये हमारा ऑडियो बोर्ड है, ये हमारा ऑडियो बोर्ड है, और इसमें 3 कनेक्शन है ऑडियो जो हम देते हैं अपने बोर्ड के अंदर। ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा ऑडियो बोर्ड है, ये हमारा ऑडियो बोर्ड है। इसमें देखिए, इसके अंदर ये 3 पिनें हैं, ये हमारी ग्राउंड है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने हैं।
इस स्विच के द्वारा कि जब हम अपना स्विच दबाएं इसकी ऑडियो जाए कार्ड की, और जब हमें हमारा मन करे तब हम आरसी के कनेक्शन दें। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, पहला जो ये पहले तो आपको क्या करना है, ये वाला ग्राउंड और ये वाला ग्राउंड तीनों कनेक्ट करने हैं। ये हमारे तीनों हो गए कनेक्ट। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये तीनों कनेक्ट होने के बाद स्विच की हमें बीच वाली पिन लेनी है और ये आर के अंदर डाल देनी है। ये हमारी राइट ऑडियो के अंदर आ गई है, ये आ गई हमारी राइट ऑडियो के अंदर। फिर हमें दूसरी जो बीच वाली पिन है वहाँ से एक कनेक्शन लेना है। कनेक्शन लेने के बाद ये हमें लेफ़्ट ऑडियो के अंदर कनेक्शन कर देने हैं, जो हमारा ऑडियो बोर्ड है। तो ये हमारा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो पिन है यहाँ पर, ये वाली पिन हमें सीधी, देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमने आर के अंदर लगाया है तो यहाँ पर भी हम जो है आर के अंदर ही लगाएंगे। तो ये हम लेफ़्ट के अंदर कर देते हैं और ये वाली कर देते हैं हम आर के अंदर, ये हमारी आर के अंदर, ये हमारी आर के अंदर आ गई। तो ये तो हो गए हमारे दोस्तों आरसी के कनेक्शन। अब बच गया हमारा कार्ड। तो कार्ड के अंदर भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लेफ़्ट ऑडियो दे रखी है, यहाँ पर भी हमने लेफ़्ट पे लगा रखी है और ये भी हमने राइट पे ही दे रखी है। तो अब क्या करेंगे, ये भी हमारा राइट है तो इसको क्या करेंगे हम राइट पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे कार्ड के राइट पे कनेक्ट हो गई और जो इसी तरीके से हमारा ये लेफ़्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा लेफ़्ट पे कनेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से होते हैं हमारे कनेक्शन। अब जब हमारा मन करेगा हम स्विच को दबाएंगे तो ये स्विच काम कैसे करता है, जब हमने इस स्विच को अंदर की तरफ दबाया तो हमारी ये दोनों पिन कनेक्ट हो जाती हैं और हमारा जो पीछे से आरसी पे जो भी ऑडियो आ रही है वो ऑडियो सीधी हमारी बोर्ड के अंदर चली जाएगी। जब हम इस स्विच को बंद कर देते हैं तो हमारी ये वाली दोनों पिन कनेक्ट हो जाएगी, ये वाली दोनों पिन कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारे जो कार्ड के अंदर ऑडियो होगी ये वाली अनकनेक्ट हो जाएगी, ये अनकनेक्ट होगी। अब क्या हुआ कि जो ऑडियो हमारी यहाँ कार्ड के अंदर चल रही है वो सीधी ऑडियो यहाँ से जाके फिर दोबारा हमारी बोर्ड के अंदर चली गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये स्विच हमारे काम करते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल का आइकन को जोड़ दवाना। और दोस्तों मेरी वीडियो को अगर मुझे और भी वीडियो बनाने का मौका मिले तो मुझे आप मेरी वीडियो पर सबसे ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मेरी वीडियो पर लाइक बहुत कम ही आते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे जो है आगे भी वीडियो बनाने का वो हौसला मिलेगा।